कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है और इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कर्नाटक के लोगों से एक प्रगतिशील और 40% कमीशन मुक्त राज्य बनाने के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा अपने दक्षिणी गढ़ को बरकरार रखते हुए इतिहास रचने की कोशिश कर रही है, जबकि जुझारू कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले वापसी करने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस विनिंग 150 हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए हिंदी में ट्वीट किया। कर्नाटक का वोट 5 गारंटी के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए। आइए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, 40% कमीशन मुक्त और प्रगतिशील कर्नाटक का साथ में निर्माण करें। उन्होंने कांग्रेस की 5 गारंटियों वाला एक ग्राफिक्स भी साझा किया है। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य के लोगों से बदलाव के लिए मतदान करने का आग्रह किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कर्नाटक में भी बड़े पैमाने पर प्रचार किया था। उन्होंने ट्विटर पर कहा, विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने के साथ ही मैं कर्नाटक के अपने सभी भाइयों बहनों से आग्रह करती हूँ कि वो बाहर निकलें और बदलाव के लिए वोट करें। कांग्रेस विनिंग 150 हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए प्रियंका ने कहा, ये समय एक मजबूत और विकास करने वाली और सक्षम सरकार लाने का है, जो आप लोगों की भलाई के लिए निरंतर काम करे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कर्नाटक के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने पहले ही एक प्रगतिशील और पारदर्शी सरकार चुनने का फैसला किया है। खड़गे ने ट्वीट किया कि कर्नाटक के लोगों ने फैसला किया है कि वो एक प्रगतिशील, पारदर्शी और कल्याणकारी सरकार चुनेंगे। आज बड़ी संख्या में मतदान करने का समय है। हम लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेने वाले उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। ये चुनाव मुख्य रूप से सत्तारूढ़ भाजपा, कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा की जनता दल सेक्युलर के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। राज्य भर में 58,545 मतदान केंद्रों पर कुल 5,31,33,054 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके 2,615 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत तय करने वाले हैं। मतों की गिनती 13 मई को होगी। वीडियो डेस्क amarjala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।